फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन प्लांट्स ग्रो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट के बारे में, यूफोर्बिया मिली, जो हमेशा ही बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स देता है। देखिए, इस प्लांट में भी कुछ फ्लावर्स आपको दिख रहे होंगे। कुछ टाइम पहले ये प्लांट भी पूरा फूल से भरा हुआ था। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये, हमेशा ही फ्लावर देता है। इसमें आपने बहुत कलर के फ्लावर्स देखे होंगे, रेड, पिंक, येलो और भी बहुत कलर में अवेलेबल होता है। अलग अलग कलर के फ्लावर्स के साथ ये अलग अलग वेराइटीज़ में भी अवेलेबल होता है। इसकी कुछ हाइब्रिड वेराइटीज़ भी होती है और कुछ देसी वेराइटीज़ भी होती है। यूफोर्बिया मिली एक सेमी सकुलेंट प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसे हम इजीली कटिंग से भी लगा सकते हैं। यूफोर्बिया मिली की हाइब्रिड वेराइटी और देसी वेराइटी दोनों से ही हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैंने दोनों ही वेराइटी से प्लांट ग्रो किया है। अब बात करते हैं हम इस प्लांट के केयर की, तो इस प्लांट की केयर करना बहुत ही इजी है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए इसे ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि इसे ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल सकती है और ओवर वाटरिंग के बाद जो फ्लावर्स आएंगे उनका कलर ठीक नहीं होगा, वो थोड़े थोड़े हरे या काले रंग के दिखाई देंगे और धीरे धीरे करके ये प्लांट मर जाएगा और ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे ओवर वाटरिंग ना करें। अब बात करते हैं कि ये प्लांट ग्रो कैसे करें। तो इस प्लांट को धूप ज़्यादा पसंद होती है, इसे दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप दिखानी चाहिए, जिससे ये प्लांट अच्छे से ग्रो करे। और जब हम इसे धूप दिखाएंगे तो इसके फ्लावर जो रहेंगे वो और भी अच्छे से आएंगे और उनका कलर और भी अच्छे से दिखाई देगा। साथ ही साथ इसमें महीने में एक बार कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र दे दे या फिर खाद ज़रूर दे। अब बात करते हैं हम कि इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी कैसी तैयार करें। तो मैं आपको इसे एक पॉट में लगा के बताती हूँ और इसकी मिट्टी कैसे तैयार होती है यह भी बताती हूँ। हमारे इस प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं होती है, इसलिए हम हमारी एरिया में जो सॉइल अवेलेबल है वो और सैंड दोनों को भी 50-50% में लेंगे और साथ में थोड़ी सी खाद, तीनों को भी ऐड करके एक मिश्रण बना लेंगे। मैंने पहले से ही सैंड, सॉइल और खाद तीनों का ही मिश्रण तैयार रखा है। इसे मैं पॉट में डाल देती हूँ कुछ इस तरह। पॉट में मिट्टी डालने के बाद अब हम इस प्लांट को लगा देंगे और ऊपर से अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे। किसी भी प्लांट को पॉट में लगाने के बाद उसे पानी देना बिल्कुल भी ना भूलिए, इसलिए अब हम इसे अच्छे से पानी दे देंगे। प्लांट को पॉट में लगाने से पहले ये इस बात का ध्यान रखिए कि पॉट में नीचे की तरफ अच्छे से गड्ढा होना चाहिए, ताकि उसमें जो हम पानी डालते हैं वो अच्छे से वेल ड्रेन हो सके। तो देखा आपने, इस प्लांट की केयर करना कितनी आसान है। ये एक परमानेंट फ्लावर देने वाला प्लांट है जो घरों में बहुत ही सुंदर लगता है, इसलिए आप भी अपने घर में ये प्लांट लाए और इसे ग्रो करें, इसकी केयर करें और अपने घर की सुंदरता बढ़ाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।